प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके बारे में जितनी बातें भी कर लो कम है। एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा। कारगिल का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान की जब हालत ख़राब होने लगी तो अमेरिका के पास जब वो गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री जी के पास फ़ोन आया कि पाकिस्तान कह रहा है कि या तो ये युद्ध ख़त्म कर दो नहीं तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तो वाजपेयी जी ही ऐसी शख्सियत थे जो ये जवाब दे सकते थे इस बात का कि अगर मैं तो मान के बैठ चुका हूँ कि आज ये आधा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझा देना कि कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम गायब हो जाएगा। तो ऐसी बात हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही कह सकते थे, इतनी बड़ी बात। और क्योंकि समय की सीमा है, मैं हमारे बीच में श्री संतोष कुमार गंगवार जी जो हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, तो हमारे बीच हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आएं और हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान। मित्रों, अभी आप काफ़ी कुछ सुन रहे थे। मंच पर आदरणीय रामविलास पासवान जी उपस्थित हैं और वो लोकतंत्रीय व्यवस्था के बारे में अच्छे जानकार हैं, सीनियर हैं, आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय स्वामी चिदानंद जी और आचार्य श्री लोकेश जी कई बार हमसे आग्रह कर चुके हैं और आज भी वास्तव में उनका सानिध्य मिलता रहे वो अच्छा लगता है। निशा फाउंडेशन की अध्यक्षा सुश्री प्रियंका कोठारी जी, दल सिंह मल्ला जी और उपस्थित मित्रों, वास्तव में लोकतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत रहना और चलना और चलाना ये संसद में उपस्थित रहने के बाद ही समझ में आता है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में जब सबसे प्रमुख माना जाता है तो हमारे कुछ तौर तरीके हैं। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार चुनकर आया तो प्रोफेसर एनजी रंगा लोकसभा में थे, तो मैं देखता था कि वो बैठे ज़्यादा रहते थे और बोलते सीमित बोलते थे। मैंने जानकारी करने की कोशिश की तो मुझको ये कुछ दो तीन वरिष्ठ साथियों ने बताया कि अगर लोकसभा में सदस्य उपस्थित रहता है और खाली सुनता ही है तो बहुत कुछ सीख और समझ सकता है। और मैं जब भी आदरणीय रामविलास पासवान जी को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इस मामले में काफ़ी अच्छी रुचि और कच्ची उसके हिसाब से चलते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ आज ये कार्यक्रम मुख्य रूप से श्री भाई मल्ला जी के संदर्भ का है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत करी और जो पुस्तक लिखी है वो वास्तव में ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में आप कार्यरत हैं यहाँ पर और करीब 35 वर्ष से आप लोकसभा में हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी समझ में आया है, क्योंकि मैं भी उसके बाद से 1989 से लोकसभा में हूँ, तो मैं इस बात को समझ भी रहा हूँ कि क्या आवश्यकता है, क्या हिसाब से कैसे काम करना चाहिए। और मैं शुभकामनाएं दूंगा कि मल्ला जी ने एक अच्छा काम किया और उस दौर में पार्लियामेंट में आप सक्रिय ज़्यादा हुए जब कमेटी सिस्टम हमारे यहाँ पर लागू हुआ, और उस कमेटी सिस्टम में आपने अपनी एक अच्छी प्रतिभा प्रस्तुत करने का काम किया। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोकसभा में रहकर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपने कृत्यों से लोगों को सलाह देते हैं और बताते भी हैं कि कैसे काम किए जाए, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में एक अच्छा काम मल्ला जी ने किया है। और आज इत्तेफाक से हम उस दिन हैं 28 अगस्त के दिन यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं जानकारी कर रहा था तो मेरी जानकारी में आया कि आज ही के दिन 71 वर्ष पूर्व 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। और वास्तव में हमारी समझ में आता है कि ये
लोकतंत्रीय व्यवस्था जो है इसको एक सही स्वरूप देने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो हम वास्तव में इस लोकतंत्र के मंदिर में यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी कुछ रुचि होनी चाहिए कि कैसे इस लोकतंत्र को हम मजबूत करें। इतने वर्षों में मैंने काफ़ी कुछ लोकसभा के अंदर सुनने और समझने का काम किया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को हम लोग मजबूत करें और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम करें। मैं धन्यवाद दूंगा भाई भास्कर प्रकाश जी को, जो पहले से ही भारत गौरव से पुरस्कृत हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने जो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति करवाई है वो अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। तो मित्रों, मैं अधिक न बोलते हुए, अभी अपने बीच में आदरणीय श्री राम बिलास जी हैं, वो कुछ आपके सामने हम लोगों के लिए मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत, और इस विश्वास के साथ कि इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी जहां है जिस प्रकार से योगदान कर सकता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और कि वास्तव में हमारे देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था को हम कैसे और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सके। क्योंकि कभी कभी ये महसूस होता है कि अब जिस प्रकार से संसद चल रही है तो बाहर भी लोग इस पर अपनी रुचि व्यक्त करते हैं, क्योंकि अब पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है और लाइव टेलीकास्ट की वजह से बहुत सी बातें समझ में आती हैं। लोग अपने जनप्रतिनिधि के बारे में राय भी रखते हैं और टिप्पणी भी करते हैं। अब सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे लोकसभा को प्रस्तुत करें और कैसे अपनी बात को एक अच्छे ढंग से रखने का काम करें। तो मैं मल्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस विश्वास के साथ कि लोकसभा में जो कुछ आपने साथ में रहे, लोकसभा के बाद भी आप अपनी पहचान बनाकर रखेंगे और इस दिशा में सक्रिय रहेंगे। तो मित्रों, मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।